नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार प्रदेश को फार्मा एवं ड्रग उद्योग का हब बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए लघु, सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के उद्योगों को विकसित भी किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा में उद्योग स्थापित करने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सीएम मनोहर लाल ने हर जिले को 50 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किसी तरीके के उत्पीड़न संबंधी घटना होने पर पीड़ित परिवार को समय पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके। राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए और समय समय पर इसकी उचित निगरानी भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि राज्य स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हर 6 महीने में की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न में मामले की दी जाने वाली कानूनी सहायता राशि भी बिना किसी देरी के जारी की जानी चाहिए। इसके अलावा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुसूचित जाति की बस्तियों में तथा प्राइम लोकेशन पर होर्डिंग या फिर बैनर लगाए जाने के लिए इसके अलावा प्रचार के अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जानी चाहिए। कोरिया की सियोल कंपनी के एक शिष्टमंडल ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। सियोल सेमीकंडक्टर सियोल वायरस कंपनी ने हरियाणा में 100 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई है। हरियाणा सरकार ने सियोल सेमीकंडक्टर कंपनी को हिसार और गुरुग्राम में लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट में मेक इन इंडिया के तहत काम करने को कहा। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अर्षी कृष्णाचार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जानकारी दी। सियोल सेमीकंडक्टर कंपनी की तरफ से हरियाणा सरकार को 4 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 एयर प्यूरिफायर, 5,000 अत्याधुनिक NF95 मास्क और 10,000 ग्लव्स भेंट किए गए। सियोल सेमीकंडक्टर सियोल वायोसिस कंपनी आज हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात किया है। हमने 4 करोड़ का मोबाइल एयर प्यूरिफायर, ग्लव्स और हैंड मास्क आज हमने एज ए टोकन ऑफ सॉलिडारिटी डोनेट किया है। आगे आने वाले दिन में हम एक R&D सेटअप करने का हमारा सोच है, आगे देखना चाहिए। ये तो पैंडेमिक के लिए हमारा कंपनी बहुत आगे इनिशिएटिव लेके तुरंत 1 महीने में सब जो मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूटर करना था हमने कर लिया है और सीएम का साथ आज अच्छा मीटिंग भी हमारा हुआ है। हम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इंडिया के सोचने का आगे दिन सोच रहे हैं। किसानों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो रहा है। किसान संगठनों द्वारा एक बार फिर से दिल्ली कूच की बात कही गई है। इसके लिए दिल्ली यूपी की सीमाओं पर गुरुवार रात से ही ट्रैक्टरों का आना जाना भी जारी है। शुक्रवार को यहां पर ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल भी की गई। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का कहना है कि ये रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख बेहद नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख को यहाँ पर किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल की जाएगी। एक बार फिर से जो ट्रैक्टर हैं वो पश्चिमी यूपी से गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और 26 तारीख क्योंकि कल है तो 26 तारीख भी किसानों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि 26 जनवरी भी आया था, ये सबको याद है। हमारे साथ किसानों के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे ये जो ट्रैक्टर आ रहे हैं कितनी संख्या में आ रहे हैं, इस ट्रैक्टर जो अब दोबारा आ रहे हैं काफ़ी संख्या में, नरेश टिकैत साहब भी आ रहे हैं, उनकी अगुवाई में ट्रैक्टर आ रहे हैं, इसके मायने क्या है?
महीने इसके 26 तारीख है, इसके महीने 26 तारीख इनके दिमाग से ना निकल जाए, स्लिप ना हो जाए 26 तारीख, क्योंकि 26 तारीख कैलेंडर में हर महीने आती है, तो 26 तारीख इनके दिमाग से ना निकले, तो 26 तारीख इनको याद दिलवाते रहेंगे, क्योंकि 26 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ, कल आंदोलन को 7 महीने हो जाएंगे, 8वें महीने में आंदोलन प्रवेश करेगा, 26 तारीख में ही जो जनवरी का महीना था उसमें इन्होंने धोखा करा था, ये सब इनको याद आता रहेगा, इनका जो इलाज होगा इनका 26 तारीख को इलाज होगा इनका। हाँ, आपने कहा कि किसान का इलाज जो है पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट और सरकार के लिए आपने कहा कि गांव में जाएंगे, ये थोड़ा टैगलाइन एक समझ। हाँ, तो टैगलाइन तो समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है दिल्ली में, तो सरकार का इलाज होगा गांव में, इनको ऑक्सीजन देंगे, गांव के लोग तैयार बैठे हैं, बिल्कुल दवाई बना रखी, इनको बिल्कुल ठीक करेंगे, पक्का इलाज करेंगे इनका, और हमारा इलाज है पार्लियामेंट में, क्योंकि कानून पार्लियामेंट में बने, तो किसान का इलाज पार्लियामेंट में होगा, बड़ा अस्पताल है पार्लियामेंट, तो वहां इनका इलाज होगा, ये ठीक हो जाए। सिरसा के बरनाला रोड स्थित सीडीएलयू में आने वाले छात्रों की गाड़ियों से किसान आंदोलन के झंडे हटवाने का शुक्रवार दोपहर को किसानों ने विरोध जताया। भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंद्र सिंह के नेतृत्व में किसान चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पहुंचे, यहां पर सुरक्षा कर्मियों से भी किसान प्रतिनिधियों की झंडा हटाने को लेकर बहस हो गई। इसके बाद मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी विक्रम पुलिस टीम सहित पहुंचे, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजमेर सिंह मलिक भी मौके पर पहुंचे। किसानों और मलिक के बीच में कई देर तक बहस हुई। किसानों ने आरोप जड़ाया कि विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम होने पर किसी को आपत्ति नहीं है, इसके विपरीत जन-जन की आवाज बन चुके किसान आंदोलन के झंडे लगी गाड़ियों से जबरदस्ती झंडे उतरवाए जा रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साढ़े किसान ते मजदूर दे बच्चे जो कि तुसी देखते हो सारे हर साधन ते साढ़े किसानी झंडा लगा हुआ है, उस किसानी झंडे नू जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो झंडा ला लवा दिता जाता सिक्योरिटी वालों, कहते सू वीसी का ऑर्डर है, वो झंडा लगा के साडे बच्चे इतने आके झंडा उतारते, उन्होंने आत्मा दुखती है, दिल दुखता, क्योंकि वो किसान ते मजदूर के बच्चे ने, तो अज असी उस जो असी देखा थोड़े दिन प्रकरण देखे होना तो यूनिवर्सिटी के की हो रहा है, सारे राजनीतिक अखाड़ा बने हुआ, जदों का यह वीसी आया है रोजाना अपने आकावान की हाजिरी भरता है, यूनिवर्सिटी में एक राजनीति का अड्डा बनाता है, कदे बीजेपी वाले योग करा रहे, कदे जेजेपी वाले करा रहे, कदे कोई पार्टी करा रही है, कदे कोई पार्टी करा रही है, ये शिक्षण संस्थान है हमारे बच्चों की, जहाँ हमारे किसान मजदूर के सब वर्ग के बच्चे आते हैं, यहाँ पर बच्चों की शिक्षण संस्थान है, इसको राजनीतिक अड्डा हम नहीं बनने देंगे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अब ओम प्रकाश चौटाला ठीक होने के बाद जनता के बीच में जाएंगे, वहीं किसान आंदोलन में टीकरी व सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों के बीच भी पहुंचेंगे। इसके अलावा अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। विपक्ष तो है ही नहीं, अगर विपक्ष होता तो फिर मान के चलो इन चीजों पर लगाम लगती, फिर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती। विपक्ष में तो कांग्रेस अपने आप को विपक्ष मानती है, हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, हुड्डा तो मिला हुआ है। अब मैं फिर बताऊंगा कि हुड्डा कांग्रेस बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो फिर हुड्डा तुम्हें कल बुला करके कहेगा कि अभय सिंह मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं ये सच्चाई है। चौटाला वो शख्स है जो एक दिन भी कभी घर में आराम नहीं किया, उनको हमेशा अपनी पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं की चिंता रही है। जैसे अब स्वस्थ होंगे, आज की डेट में हॉस्पिटल में है, उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, उनके हाथ में चोट है, जैसे ही वहाँ से हॉस्पिटल से घर आएंगे, जैसे ही डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे, वो उसी दिन कार्यकर्ताओं के बीच आ जाएंगे, और वो फिर बीच आकर के जैसे उन्होंने पहले अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में जान फूंकेंगे, वहीं इस किसान आंदोलन को भी बड़ा कर देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों की बात को सुना जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री और एचडीआरएफ फीस में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय फल सब्जियों पर मंडी फीस को शून्य कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले लॉकडाउन के दौरान इसे बढ़ाकर 2% कर दिया है। किसानों और व्यापारियों पर एक और मार मारते हुए सरकार ने मंडी और एचआरडीएफ फीस को 1% से बढ़ाकर सीधे 4% कर दिया है। हुड्डा ने कहा कि मंडी फीस का आखिरकार अप्रत्यक्ष तौर पर असर किसानों पर ही पड़ता है, क्योंकि व्यापारियों से फीस ज्यादा वसूली जाएगी तो वो इसकी वसूली किसानों से ही करेगा और उनको कम भाव देगा। स्पष्ट है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की महंगाई, महामारी और मंदी के बाद किसानों पर एक और बोझ डालने का काम किया है। बीजेपी की तरफ से 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ ब्लैक डे मनाया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद संजय भाटिया मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाई थी। बीजेपी की तरफ से पूरे देश में ब्लैक डे का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुटे, तो वहीं सांसद संजय भाटिया की तरफ से कहा गया कि उस वक्त बहुत से कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों ने अपनी जान दे दी थी। जिसने उस वक्त की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उसे जेलों में भेज दिया गया। आज उनके सम्मान का दिन है। इस आपातकाल में जिन कार्यकर्ताओं, जिन स्वयं सेवकों के ऊपर जोर जबरदस्ती जुलम हुए, जेलों में ठूसा गया, आज एक उनके सम्मान का दिन था। अपने कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का दिन था कि ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर आज ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सर्वश्रेष्ठ संगठन, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, इनकी कुर्बानी के कारण है। एक मैसेज और देना चाहते थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियाँ ये दुष्प्रचार करती हैं, विदेशों में हिंदुस्तान की छवि खराब करती हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी की छवि खराब करती हैं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भी आज ये हमने बात रखी है। उनको याद दिलाया है कि 1975 में किस तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की थी, कि कोर्ट के फैसले के बाद जब 6 साल के लिए बैन इंदिरा गांधी जी पे लगा था तो तुरंत उस पद को छोड़ने की बजाय उन्होंने आपातकाल लगा दिया, और उस आपातकाल में पत्रकारों का किस तरह से गला दबाया गया, उनकी आवाज को दबाया गया। देखिए 1975 में आज के दिन जब इमरजेंसी लगी तो जो सारे हमारे मौलिक अधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए, और बिना बात के ही लोगों को, मतलब देश में इमरजेंसी लगाने का कोई उस टाइम औचित्य था ही नहीं, ना ही देश की ऐसी परिस्थितियाँ थी। केवल अपने स्वार्थों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहने के लिए इमरजेंसी लगाई थी और लोकतंत्र को समाप्त करने का काम उन्होंने उस टाइम किया, और निर्दोष लोगों को, हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उस टाइम जिन लोगों ने संघर्ष किया उनका सम्मान के लिए आज का कार्यक्रम था कि उन लोगों ने देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत बड़े अत्याचार सहे और अत्याचार सह के लोकतंत्र की रक्षा की ताकि उनका सम्मान हो। और दूसरा, लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए कि कोई भी आदमी, वो कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, बात पार्टी की नहीं है, कोई भी व्यक्ति इतना साहस ना कर सके कि आने वाले टाइम में विषय में लोकतंत्र समाप्त करने की बात सोच सके, तो ये जनता के मन में रहना चाहिए और उन लोगों से सीखना चाहिए जिन लोगों ने इसमें बलिदान दिया, ताकि इसलिए आज का कार्यक्रम। खबर फरीदाबाद से, जहां पर अवैध रूप से बसें चलाकर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं ने परिवहन मंत्री के गृह जनपद में नया कारनामा करके प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। दरअसल बस माफियाओं ने फर्जी कागजात तैयार कराकर विभाग में बगैर जुर्माना अदा किए ही 3 बस डिपो से छुड़ा ली है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अधिकारी हरकत में आए और पुलिस में केस दर्ज करवाया। अब सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि हरियाणा रोडवेज बल्लभगढ़ डिपो के जीएम राजीव नागपाल ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि 9 मार्च 2021 को जिला परिवहन अधिकारी ने बस नंबर UP 80ET 4016 का चालान कर 60,000 रुपए जुर्माना लिया था। इसके अलावा UP 80ET 274 का 10 मार्च को चालान कर 60,000 रुपए जुर्माना वसूला था।
फरीदाबाद में अवैध बसों को बिना जुर्माना अदायगी के कर ले जाने के लिए मामले में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस तरीके का ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, उन्हें अभी इसकी जानकारी मिली है और इस तरह फर्जीवाड़े करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। जानकारी आप लोगों ने मुझे अभी दी है कि 3 बस जो मैंने ही स्वयं पकड़ी थी और जो बल्लौड के बस अड्डे में बंद कराई थी RTO महकमे ने, और फर्जी RTO की ID बनाकर फर्जी रिसीट कराकर उन बसों को छुड़ा के ले गए, जो जानकारी मिली है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई है, उनको जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। और एक नहीं, मुझे अपने जयपुर हाईवे पे, मुझे राजस्थान के बॉर्डर पर भी एक फर्जी RTO की एक फर्जी इस तरह की मिली थी। जब उसको वहाँ से कहा टैक्स भर दिया, जब उन्हें देखा तो नकली जो रसीद है नकली मिली, वहाँ भी हमने मुकदमा दर्ज कराए थे ऐसे लोगों के खिलाफ कि इस तरह की जो जालसाजी है, स्वयं इस तरह की ID बना लेते हैं, सरकारी ID बना के, और क्या है कि इस तरह से सरकार को जो चूना लगाने का काम करें, ऐसे भी लोग हैं। ये इस तरह का महकमा है जो हर आदमी इस पर रखता है कि अगर तेरी बस बंद होगी तो इस तरह से हम सरकार को चूना लगाने का काम करें। और मैं तो कहूँगा जो इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ चाहे कहीं तक भी जो बस है उन्हें भी उन पकड़ेंगे, उनको भी आदमियों को अरेस्ट करेंगे। चलिए हरियाणा विशेष में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। सोसाइटी पर आरोप है कि बिना वेरिफिकेशन के मृतकों का ही फर्स्ट एंड सर्टिफिकेट बना डाला और यह आरोप रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य ने ही लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल में मुर्दा लोगों का इलाज और भारी भरकम इलाज का बिल, ऐसी खबरें अब गए जमाने की आम बात हो गई। एक नया कारनामा सुनिए, कैसे मुर्दा लोगों का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बन गया, फिर सर्टिफिकेट से लाखों के वारे न्यारे हो गए। ये कारनामा एक शख्स के साथ नहीं हुआ, 3 मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। मामला रेवाड़ी के रेड क्रॉस सोसाइटी के पूरे गोरख धंधे का है। हरियाणा रेड क्रॉस PCSR सब कमेटी के सदस्य अधिवक्ता सुनील भार्गव के आरोप है कि 800 रुपए से 1000 रुपए तक लेकर 11 दिन में मरे हुए 3 लोगों की फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। ये सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जारी किए, इसकी शिकायत भी सरकार को उन्होंने भेज दी है और मामले की जांच की मांग की। जी, मुझे बार बार ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने पर के मामले में बड़ा घोटाला हो रहा है और लोग दलाल के माध्यम से ये बनवा रहे हैं। तो मेरे पास 2 फोटोस्टेट मरे हुए आदमी की हाथ लगे तो मैंने उस पर विश्वास नहीं करा। मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना अपने लेवल पर ये इंक्वायरी करवाए, क्योंकि मैं रेडक्रॉस हरियाणा रेडक्रॉस CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि कोई भी अगर रेडक्रॉस के अंदर धांधली चल रही है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, उन्होंने मुझे ये पद दिया है गवर्नर साहब ने, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं क्यों ना जो घपला अगर मेरे सामने आ गया है तो उसकी जाँच करवाऊँ। तो मैंने अपने लेवल पर एक मरे हुए आदमी का आधार कार्ड की फोटोस्टेट किसी आदमी को दी और मैंने ये कहा कि भाई ये इसका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनाने लाइसेंस के लिए। तो उस आदमी ने ये कहा कि भाई है ना यहाँ पर तो सर 1000 रुपये थे। मैंने कहा 1000 लें, 2000 लें, जो भी है आप बनवा के लाओ। तो उसने किसी के माध्यम से, जो दलाल वहाँ पर घूमते हैं इनके, उनके माध्यम से 1000 रुपये देकर ये लाइसेंस बनवाया, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनवाया। मामले में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने कहा आरोप निराधार हैं और किसी अन्य नियत से ये सर्टिफिकेट बनवाए गए हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसकी जांच अब जिला उपायुक्त करें या किसी जांच एजेंसी से करवाएं। तो उसके बाद में उसका ट्रेनिंग किया जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद में वो जो हमारा ले लेक्चरर है जो ट्रेनिंग कर रहा है वो बाकायदा सर्टिफिकेट फिल करेगा और साइन करेगा और उसको जो हेड ऑफ दी CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यानी वो मैं हूँ भेज देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ दी ले लेक्चरर मुझे उस पर साइन करने होते हैं
और वो पावर मैंने, चूंकि अलग अलग ट्रेनिंग होती है, एक दिन में कई जगह ट्रेनिंग चलती है, तो वो पावर मैंने डेलीगेट की हुई है श्री मस्तान को। तो जाहिर सी बात है अभी मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस है नहीं कि भाई मैं जिसमें ये कह सकता हूँ कि ये मरे हुए लोग हैं। तो नेचुरली इट नीड्स इंक्वायरी इस। तो वहीं पुलिस विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद साइबर क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब पूर्व मंत्री तक साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं, जिसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के मोबाइल फोन पर बिहार में खरीदी गई खाद की सब्सिडी का मैसेज आ गया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने इसे लेकर रेवाड़ी के साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कैप्टन अजय यादव ने इसे बिहार में किसानों के नाम पर ठगी और बड़े घोटाले का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जब मेरे आधार कार्ड का दुरुपयोग बिहार में हो सकता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोग कितने सुरक्षित हैं। किसानों के नाम पर कितनी बड़ी ठगी की जा रही है। एक एक्स मिनिस्टर, 6 बार विधायक राव, मंत्री राव, उसका आधार कार्ड का भी दुरुपयोग हो रहा है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। तो मेरी जो है केंद्र सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये विनती है कि वो तुरंत इसका संज्ञान लेके, और हमने ये FIR दर्ज करने के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है साइबर क्राइम को। मैंने कल SP साहब से बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं तो आज हूँ नहीं यहाँ, तो उस पर हमने अपनी FIR दर्ज करवा दी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है फर्टिलाइजर का, इसकी जाँच होगी। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।